प्रभु इसे चलता कर दीजिए और इसकी तकलीफों का सूरज हलता कर दीजिए। यो प्रभु, चमत्कार हो गए, मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ प्रभु। आज मैं भक्तों को बेवकूफ बनाने का 25,000 रुपया लूंगा, समझे? नहीं तो कोई और एक्टर ढूंढ लो। हाँ, ये एलियन है और इस तरह से लंबी हो जाना उसकी सुपर पावर है। इस बात को सबके सामने लाने का शुभ काम मैं प्रदेश सर के हाथों कर रहा हूं। मिसेज वर्षा घोटाला, सॉरी, यू आर इन अ डीप ट्रबल मैडम। सुनो, हमें इन भोले भक्तों के सामने उस गुलाब जामुन का, किसका जामुन लाल? हाँ, जामुन लाल का पर्दाफाश करना है। तो सुनो, मैं क्या करने वाला, मैं अपने मैग्नेटिक फोर्स से वो जो दूसरा पाखंडी है ना, वो जो अंधा बनता है, उसे मैं ऐसे पीछे से जकड़ लूंगा ताकि वो उस जामुलाल महाराज के पास पहुंच ना सके। तो उसकी जगह जाएगा हेमन, तुम गूंगे बनकर, और सबके सामने जब तू चूरण खाएगा ना, तब भी तू गूंगा ही बने रहना, तब जाके उस जामुलाल महाराज का पर्दाफाश होगा। हेमन, तुझे सिखाया था ना, चल शुरू हो जाए। हाँ चल हेमन, चलो बन जाओ गूंगे। स्वामी, मैं जन्म से गूंगा हूं स्वामी, कृपया मुझे बोलता कर दीजिए। सुपुत्र, अच्छा यहाँ आजा। तू ऐसे बोलेगा कि मैं गूंगा हूं? वो मैंने थोड़ा सा बदला है पापा, मैं चूरन खाने के बाद ऐसा करूंगा तो लोगों को और यकीन हो जाएगा कि स्वामी जी फ्रॉग है। क्या फ्रॉग? बाबा फ्रॉग है, ऐसे बैठा है बाबा उधर। अरे फ्रॉग नहीं होता, फ्रॉड होता है। अरे धीरे धीरे, कितना चिल्लाता है। आफ, 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 मत कर, बड़े बाबा की फोटो चली जाएगी मुंह में। तू यहाँ जा, चल तू बन जा, तू बन, नहीं नहीं तू गूंगा उंगा मत बन। अरे तू ऐसे चल जैसे तेरे पैर में चोट लगी हो। हाँ हाँ भैया, ऐसे हाथ कमर पे रख के कमर छटकाऊंगा, एकदम लंगड़ा लगूंगा। चल आंटी गई थी उलमा से चुलमा। रे हो यो, यो जी इंसानी फैशन शो में वो लड़कियां ऐसे 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 चलती है, लंगड़ा के नहीं चलते ऐसे। अब जरा शांत रही, दिखाना पड़ेगा ना लंगड़ा के कैसे चलते। चल मैं दिखाती हूँ लंगड़ा के कैसे चलते, गौर से देखना। हाँ हो हिम्मत, ऐसे जाओगी महाराज, आओ फिर महाराज, ऐसे आएंगे लंगड़ी खेलना, फिर महाराज सारे शिष्य तुम तीनों मिलकर एक दूसरे को पकड़ते रहना, सांकली सांकली खेलना। क्या बोलिए ना पापा, पापा क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सुनो। हेलो फिर तेज सर, सर आपने जो मुझे वीडियो भेजा था ना, पहले आप मेरी बात सुनिए। यहाँ कॉलोनी में से घोटाला फैमिली फरार हो गई है ना, उनका कोई अता पता नहीं है, उनके आने के चांसेस भी मुझे बहुत कम लग रहे हैं। उनके आने के चांसेस कम क्यों है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं, पर्सनली मिलूंगा। ठीक है। और सर बाय। यो बोलो भैया, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, महाराज मैं बचपन से देख नहीं सकता,
डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई चमत्कार ही तुम्हारी दृष्टि ला सकता। लीजिए चूर्ण ग्रहण कीजिए। भक्तों मेरी बात मेरे बाद दोहराना। अब मैं जो बोलूंगा वही तुम बोलोगे। स्वामी जामुन लाल महाराज जो करते हैं वो चीटिंग बड़ी गंदी है। ये मेमने की खाल में छिपी लोमड़ी बहुत बड़ा पाखंडी है। यो खामोश बोल के अब तुम अपना मौन तोड़ो। खामोश बोला बाबा बोले 10 साल बाद। हाँ इन्होंने अपना मौना तोड़ा। ये भी चमत्कार ही बैठा बाजू। महाराज महाराज मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया महाराज। अबे कुमार चूरन खाने से पहले ही इलाज हो गया। नहीं नहीं प्रभु मतलब मैं थोड़ा थोड़ा लंगड़ा रहा हूँ अभी। देखिए देखिए भाई साहब देखिए ये अंधे अपनी आंखों का इलाज करवाने आए थे भूल गए ये। अरे हाँ ये क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं बताता हूँ मैं एक नंबर का धोखेबाज। लोगों को छलना मेरा काम। उनको चूरन देकर उनके पैसे निगलना मेरा काम। यो देखिए देखिए भाइयों बहनों देखिए ये खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है। अच्छा संतरे का देख सकते हैं कि जामुनलाल स्वामी का पर्दा फाश करने के बाद न जाने कितने ही मासूम भक्तों को ठगे जाने से बचाया है इन्होंने। अरे चकुड़ी टीवी पे कौन आया है देख। हाँ बा अरे देख चकुड़ी देख टीवी पे देख गोंडाला परिवार। कहाँ इस पे तो सिर्फ धूल है बा। बा अरे ओ डफोड़ गौरी ये जो तेरी बड़ी बड़ी हेडलाइट है ना वो टीवी के अंदर मार और देख ज्ञान सरिता। हेलो मिस्टर गुटला आप कुछ कहना चाहेंगे। ये चूरन खा रहा है अभी। अरे हाँ श्रद्धा और आस्था ये लाखों लोगों की उम्मीद के दो पहिए और जब ऐसी कोई घटना घटती है यानी कि लोगों के उम्मीद के साथ जब खिलवाड़ होता है उनका सच्चे संत महात्मा पर से भी विश्वास उठता है। कृपा करके ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचे। अभी सनशाइन कॉलोनी वाले अगर हमें देख रहे हो तो देख रहे हैं वर्षा भाभी। अरे वो तुझे थोड़ी सुन पाएंगे। सुनो सुनो बा देखिए हेमंत तो दोबर ओवर किया। एना एना हम फनफेयर खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगे और अगर तुम ये देखकर पागल बुद्धू क्या कि मुस्कुराने वाली हो तो मेरे तरफ से 8-10 या 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 कबूल करो। पागल बुद्धू हम झूठ बोलकर क्यों निकले ये मैं नहीं बता सकता लेकिन फनफेयर खत्म होने से पहले हम वापस आकर एंजल को एकदम बस बनियन थोड़ा हिल रहा है बैठ गया। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप देखते रहे शाश्वत टीवी मेरे साथ देखने का पैसा नहीं। ये वर्ल्ड फेमस घोटाला ये फनफेयर तक अगर कॉलोनी में वापस आ जाए तो मज्जा पड़ जाएगी। चा बाबा हाँ बा मजा इनको आएगा लेकिन जश्न मैं मनाऊंगा।
बस साइंटिस्ट राजेंद्र यहाँ आ जाए और ये पक्का हो जाए कि लंबी औरत वर्षा आंटी ही है, फिर बेचारे घोटालों को पसीना छूटेगा। मैं तो बहुत सारा पिघल रहा हूँ। हाँ बेटा, देखिए ना कितनी हसीना टपक रही है। इतना थक गए लेकिन तू थकता नहीं है बेटा। नहीं थका हूँ। नहीं बेटा, कौन सी हसीना टपक रही है? हाँ, दीपिका या कतरीना? वो सब बात। भैया वैसे अगर ये हसीना है तो मेरे रोम रोम से ऐना टपक रही है। पापा वो देखिए गोले वाला गोला खरीदे। यस यस। भैया हाँ, कौन सा बनाऊं साहब? काला खट्टा, ऑरेंज, लेमन, जैकेलेट? जैकेलेट जैकेलेट जैकेलेट। ये तो जगह है नीचे। लेट नहीं हो? नहीं नहीं, देखिए आप पांच गोला दीजिए। पांच कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं क्या? ये गाड़ी किसकी है? आपकी है ना, तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? और मैं क्यों बताऊं आपको कैसे बना दे गोले? वो ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के बनाओ, है ना? हाँ ऐसा पूछो ना। भाई साहब आप एक काम कीजिए, पांच गोले बनाइएगा, ये सब मत डालिए। हाँ अच्छा, ले जाना। हाँ अब जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। ठंडा लग रहा है? आप लोग गोला लगाते हैं? हाँ, इसलिए तो कहा कि प्लेन गोला बनाइए, ये सब मत डालिए। पर ना पता है बाकी लोग खाते हैं, हम लोग ऐसा लगाते हैं। चरस, अगली संस्था कौन सी है? भैया ASBCS विरार वसई तालुका अखिल शर्मा बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्कूल। लीजा, क्या करूं मैं इसका? आतंकवादी है आतंकवादी। तुझे पता है कल ये मेरे पैर जलाने वाली थी। के? कैसे? गरम गरम इस्त्री से। ककुड़ी क्या कर रही है बेटा? मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अच्छा, इस्त्री करके मेरे पैर पे मालिश कर देना, बहुत दर्द हो रहा है। जरूर बा, लाइए थोड़ा जल्दी। अरे ये क्या है? पापी ने तो कहा कि इस्त्री करके पैर पे मालिश कर दूं। गुजराती बहुरानी। आप लोग हंसी है मत। बाकी आज्ञा का पालन करूं तो भी मुझे ही डांट पड़ती है। अच्छा अच्छा वो सब चोरों, लेकिन ये घोटाला फैमिली ये फनफे में आने वाला है कि नहीं? शायद वो लोग वापस कभी आए ना। महारामन कह रहा है, महारामन। टीवी इंटरव्यू में तो शरद ने कहा था कि फनफेयर के पहले वो लोग जरूर वापस आ जाएंगे। महारामन।
से रट लगाए बैठे हो कि मारा मन कह रहा है कि वो लोग फरार हो गए। नहीं नहीं काका मुरली, टीवी पे ना। चुप रह चकुड़ी तू। मेरा मन भी कहता है मुरली भाई कि वो लोग नहीं आएंगे। हाँ हाँ, पर मारा मन खारे से पहले बोला। अच्छा, लेकिन मेरा मन तो कहता है कि वो लोग आएंगा। ना ना, आ ही ना सके। आप इतना अरे मेडिसिन को हिंदी में क्या बोलता है? दवा। आप इतना दवा के साथ कैसे बोल सकता है? क्योंकि उनका मन कहता है रोनी। तू उनके मन को चैलेंज कर रहा है? लगी शर्त। खड़क सिंह जल्दी रिकॉर्डिंग करो प्रूफ के तौर पे। चलो जल्दी फटाफट। अरे भावना भाभी, 10 मेगापिक्सल कैमरा है हमारे पास। हाँ भाई हाँ। देखो, अगर ये फनफेयर पूरा होने से पहले घोटाला फैमिली यहाँ आ गई तो फनफेयर का पूरा खर्चा मुरली भाई देंगे। और अगर नहीं आए तो ये पूरा खर्चा हम लोग मिल बांट के देंगे। हमारा मन तो कुछ भी बोलता रहता है। भोला बावला मासूम मारवाड़ी मन है। नहीं नहीं मुरली भाई, अब तो शरत लग गई है। आप डरिए मत, वो लोग नहीं आने वाले हैं। सिर्फ आए तो ही आपको खर्चा देना पड़ेगा। हाँ बाबा। हाँ बा। अलो अलो। अरे क्या हो? ए मारा खाटू श्याम जी, देख रहा पनपेर तक घोटाला परिवार यहाँ ना पहुंच पाए। यहाँ आए तो नहीं तो तीन तीन नारियल चढ़ाऊंगो। भाई साहब, क्या है कि हम लोगों को ना ये रिक्शा टैक्सी नहीं मिल रही है। क्या आप हमें आगे तक छोड़ देंगे? वहां रिक्शा टैक्सी मिल जाएगी। हाँ प्लीज। सबको? वैसे तो मन कर रहा है हेमंत को यहीं पीछे छोड़ दूं। हाँ लेकिन जरा प्लीज। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम फिट हो जाएंगे। ऐसा थोड़े धक्का धुक्की कर। बैठ जाओ जल्दी। ऑलरेडी इतने लोग बैठ चुके हैं, आपके लिए जगह नहीं है। एक्चुअली मेरा मोबाइल जरा स्विच ऑफ हो गया था तो। आप पे कितनी मुसीबतों का भार गिरा है, ये रहने दीजिए। मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर। सबको इधर उधर की बातें करने का रोक लग गया है। सॉरी सर, माय मिस्टेक। ये देखिए सर, विद मेकअप वाली चुड़ैल। अरे ये वीडियो तो मैंने ही आपको भेजा था। आपने क्या किया है वो मुझे दिखाइए ना। बी पेशेंट सर, बी पेशेंट। पेशेंट नहीं बन गया हूँ मैं। मेरा ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है बताएं? ये देखिए, विदाउट मेकअप वाली चुड़ैल। जरूर अपनी किसी सुपर पावर से वो इतनी लंबी हो पाई है। फनफेयर की तैयारियां शुरू हो चुकी है। फनफेयर पूरा होने से पहले घोटाला फैमिली आ जाएगी। तब मिस्टर राजेंद्र आप भी आ जाना। समझ गया सर।
तब हम दोनों मिलकर सबके सामने ये सवाल पैदा करेंगे कि ये वर्षा घोटाला इतनी लंबी हुई कैसे। करेक्ट, और सारी क्रेडिट ले जाऊंगा मैं। डन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।